बीजेपी से अब एमएलए की ओर, क्या परिस्थितियां हैं, क्या जरूरत है राजनीति की, आखिर क्यों? देखिए, हम कांग्रेस से अपना राजनीतिक, पहले तो हम 77 में जेपी मूवमेंट से अपना राजनीतिक जीवन का शुभारंभ किए थे। बीच में कालांतर में कांग्रेस में भी थे, वहाँ सोनिया माता की जय का नारा लगता था, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारत माता की नारा लगता था। अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैठक में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब हम किसी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जूठा बर्तन साफ कर लेंगे, उनका जूठा पत्तल फेंक कर अपना शेष जीवन काल बिता लेंगे। हमको MLA और MP का मिले, टिकट मिले न मिले, हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए, NDA की मजबूती के लिए काम करेंगे। चूँकि हम सीमांतवासी बड़ा दर्द झेले हैं, बड़ी पीड़ा झेले हैं, यहाँ हमारी माँ बहनें, आज कुछ तो ऐसी माँ बहनें हैं, ना विधवा हैं ना सुहागन है, उनके सुहाग उठा करके अपराधियों ने न जाने चिमनी में डाल दिया कि क्या किया कि आज तक अपने सुहाग के इंतजार में बेचारी तड़पती रहती है। तो वो हालात फिर से पैदा न हो, ऐसे तत्वों से लड़ने का हमने संकल्प लिया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे लिए कोई काम सौंपती है तो हम निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसको पूरा करेंगे। राजेंद्र बाबू मौलाना मजहब के सिवान को फिर से अपराध मुक्त करना है। हम सब मिलकर के एक वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करने में हमारे मंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। लेकिन आपको टिकट मिलने की बात जब से उठी है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी में भूचाल आ गया, हमारे पार्टी में ही नहीं हमारे विरोधियों के घरों में भी भूचाल आ गया। चूँकि सारे लोग समझ रहे हैं कि ओम प्रकाश अपने समर्थकों, अपने निष्ठावान लोगों के बदौलत चुनाव को निकाल लेगा तो मेरा जमीन खिसक जाएगा। इस तरह का भूचाल आने से हम और मजबूती के साथ उभरते हैं, ये सारे लोग नहीं, लेकिन ये आपके अपने ही लोग हैं, आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रहकर पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले लोग को अपना कैसे कह सकते हैं? पार्टी अगर किसी को अध्यक्ष बनाती है तो पार्टी का वो अध्यक्ष होता है, व्यक्ति का अध्यक्ष नहीं होता है। पार्टी अगर किसी को महामंत्री बनाती है तो वह पार्टी का महामंत्री होता है, न कि किसी व्यक्ति का होता है। इस्तीफों का दौर चल रहा है, इस्तीफों का दौर चल रहा है, तो कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई सिर्फ देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर के हम लोग सबको मिला करके देशभक्ति की भाव भर करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वो अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते हैं, ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। उनका मान और सम्मान देते हुए निश्चित रूप से NDA का झंडा यहाँ गड़ा जाएगा, फिर से अपराधियों का साम्राज्य सीमान में न हो, इसका हम लोग काम करेंगे। आपके विपक्ष में संभावित उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री हैं, लंबे समय से सिवान के राजनीति में अपनी एक अलग जगह रखते हैं, और भी है चौधरी, आपके समधी भी हैं, तो क्या दो समधियों में मुकाबला? देखिए, अच्छे आदमी हैं, शालीन आदमी हैं, वो भी अपराध और अपराधी से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन गलत पार्टी में चले गए हैं। लालू यादव का क्या काज कर रहा है? लालू यादव कहते थे कि लाठी में तेल पिलाओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, लाठी में तेल पिलाने से लड़के पढ़ेंगे कि उनके कलम में स्याही भराने से पढ़ेंगे? चरवाहा विद्यालय का उन्होंने शुभारंभ किया था लालू जी ने, एक चरवाहा विद्यालय से कोई लड़का इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज कोई IAS IPS निकाला हो तो हमको बता दिया जाए, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गलत सोच रखने वाले, लेकिन आरोप लगता रहता है कि जब आप विधान लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं, उनके चुनाव में आप मदद करते हैं। वो बड़े शालीन स्वभाव के आदमी कभी भी अपने पार्टी से बंधे रहते हैं, मदद की बात नहीं, हमेशा अपने पार्टी और सिद्धांत से रहते हैं, और इस चुनाव में भी हम भी अपने सिद्धांत से बंधे हैं। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम दोनों आदमी लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि सिवान की जनता ने जो दंश झेला है, जो दर्द और पीड़ा झेली है, फिर उसको सिर्फ याद करके रोए खड़े हो जाते हैं। हमें नहीं लगता है कि
हमारे समधी जी या आरजेडी का कोई उम्मीदवार इस चुनाव में टिक पाएगा। तो क्या सर्वांचल पार्टी ने आपको चुना सिवान सदर से? कई कैंडिडेट थे, कई लोग काम कर रहे थे लंबे समय से। पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी ने हमें क्यों चुना। आप पता ये माना जाए कि आपकी लाइजनिंग मजबूत रही। नहीं, आप पता कर लीजिए, चाहे हमसे कोई कसम खिला लीजिए कि हम पटना गए हों, दिल्ली गए हों, हमने किसी नेता से अप्रोच किया हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर पार्टी ने सर्वे कराया है और हमें अपना उम्मीदवार बनाती है पार्टी, तो निश्चित पार्टी के आशा और विश्वास पर खड़ा उतरना मेरा दायित्व। लेकिन जो लोग बगावत कर रहे हैं वो भूपेंद्र यादव जी को, नित्यानंद राय जी को, मंगल पांडे जी को कोस रहे हैं कि उन्होंने आपको टिकट दिलवा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो लोग बड़े लोग हैं, आप पार्टी में रख करके पार्टी के साथ बगावत नहीं करनी चाहिए। पार्टी हम लोगों के लिए माँ है, हम लोगों के लिए धर्म है, और देश में एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनको चुनौती नहीं देना चाहिए। और हम सब मिल करके एक गौरवमयी बिहार बनाने का जो सपना है नीतीश कुमार का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। आखिरी सवाल, दोनों समझे में से किसकी जीत की संभावना है? शरीफ की जीत होगी। और दोनों शरीफ हैं? शरीफ तो दोनों हैं, लेकिन सारे शरीफ गोलबंद हुए हैं, सारे अपराधी का पतन होगा, समूल नष्ट होगा, और निश्चित रूप से NDA प्रत्याशी यहां से जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। थैंक यू।